दोस्तों हम सब लैपटॉप तो खरीद लेते हैं, लेकिन लैपटॉप खरीदने के बाद उसको यूज़ करने का पैटर्न या यूज़ करते टाइम बैठने का स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड आज के टाइम पे जहाँ ज़्यादातर प्रोडक्टिव काम घर से कर रहे हैं लोग, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, तो जितना भी आपका काम है वो सारा घर से चल रहा है। चाहे एक IT एम्प्लॉय की बात की जाए या किसी यूट्यूबर की बात की जाए जो पूरे दिन डेस्क पर बैठे रहते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने पोस्चर का, अपने बैठने के स्टाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो इसीलिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप अपने सेटअप पे ऐड करते हो, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लैपटॉप स्टैंड जो है ये मैंने बाय करा है अमेज़ॉन से, एंड ये मैंने ख़रीदा है 650 रुपीज़ में। मैं अंडर 1000 ही ढूंढ रहा था, आप ज़्यादा भी जा सकते हो। काफ़ी अच्छा लैपटॉप स्टैंड है, इसको हम अनबॉक्स करेंगे, यूज़ करेंगे, बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। एंड 14 इंच एंड 15.6 इंचेस के दोनों लैपटॉप सैंपल्स मेरे पास पड़े हैं, दोनों पे इसको हम जो है ट्राई करेंगे। तो देखते हैं क्या है हमारे इस बॉक्स में। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या प्रोडक्टिव काम करते हैं, दिन भर अपनी चेयर्स पे, अपने डेस्क पे बैठे रहते हैं, तो उनको इस छोटे से प्रोडक्ट की तरफ छोटी सी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ताकि आपकी बैक, आपकी हर चीज़, आपका एक प्रॉपर एंगल बने जिस पे आप बैठ के काम कर सको। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स में हमारे पास क्या है। तो दोस्तों सिंपल से इसको अनबॉक्स करूँगा अगर मैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं है बेसिकली। ये इसका एक बॉक्स है, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये है बेसिकली आपका लैपटॉप स्टैंड। अगर मैं इसको बाहर निकाल के आपको बताऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसको अभी हम देखेंगे कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं, एंड सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों आप आई होप इस स्टैंड को यहाँ से देख पा रहे होंगे। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो इस स्टैंड को आप ऐसे ओपन कर सकते हो, एंड आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये होल्डर मिल जाएगा। आपको ये बेसिकली कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको इसके होल्डर्स मिल जाएंगे, उनमें डालिए। एंड ये अब आपका यहाँ पे फिक्स हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली आपको डिफरेंट एडजस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं। आई होप यू आर एबल टू सी। तो इन एडजस्टमेंट्स में से आप किसी में भी इसको इंसर्ट कर सकते हो, तो वो यहाँ पे आपकी लैपटॉप स्टैंड की हाइट बन जाती है। सो दोस्तों अगर मैं इसकी डिज़ाइन एंड क्वालिटी की बात करूँ, ये ज़्यादा भारी नहीं है, ऑल्दो मैं इसको कहूँगा एक एवरेज वेट है इसका, बट बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी। पूरा मैश डिज़ाइन है, आपको पूरा मेटेलिक फिनिश देखने को मिल जाता है, एंड मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। चलिए अब हम इसमें लैपटॉप्स को एडजस्ट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप, एंड ये 14 इंच का लैपटॉप है। देखते हैं इसको रखने के बाद कैसा फील आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको रखने के बाद इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अपनी कोई भी वायरिंग यहाँ पे आराम से कर सकते हो। आप देखो मैंने अगर चार्जर लगाया है तो मुझे यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं आएगा, मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ। बाकी भी अगर आपके पोर्ट साइड पे हैं तो आप सारी चीज़ें आराम से लगा सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। उसके अलावा अगर आप साइड्स पे भी लगाते हो तो 14 इंच लैपटॉप में तो आपको कोई चैलेंज नहीं आने वाला, सो दिस इज़ फॉर श्योर। और अगर आपके आउटवेंट्स भी यहाँ पे रहते हैं तो एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहेगा इस स्टैंड को यूज़ करने के बाद, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब इसके बाद हम 15.6 इंचेस का लैपटॉप यूज़ करेंगे, तो इसको मैं बंद करके रखता हूँ साइड पे। एंड अब आएगा हमारा एसर नाइट्रो 5, जिस पे जो कि बेसिकली है तो एक गेमिंग लैपटॉप है इनिशियल बजट का, बट हम तो प्रोडक्टिव कामों के लिए ही यूज़ करते हैं, एडिटिंग के लिए या कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए, यूट्यूबिंग के लिए। तो ये है 15.6 इंचेस का लैपटॉप जो इस स्टैंड पे इजीली आ रहा है, कोई चैलेंज नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इस हाइट की चेयर रखता हूँ, है ना, अगर मैं इस हाइट की चेयर रखता हूँ तो मैं एक प्रॉपर एंगल इस लैपटॉप के साथ बना सकता हूँ। वैसे मेरी चेयर और ऊपर तक जा सकती है, तो एक प्रॉपर एंगल के साथ मैं बैठ सकता हूँ। एंड अगर इसकी हाइट मैं और थोड़ी नीचे कर दूँ तो एक प्रॉपर एंगल मुझे आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है, आप आराम से एक प्रॉपर एंगल ले सकते हो लैपटॉप का, और 15.6 इंचेस में भी आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। एंड इसकी जो बेसिकली चार्जिंग केबल है वो इस साइड लगती है, तो यहाँ पे मुझे कोई चैलेंज नहीं आ रहा। देखो लैपटॉप स्टैंड का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी रहता है कि आपका काफ़ी स्पेस जो है वो बच जाता है ना, तो आप आराम से इसको पीछे रख के यहाँ एक कीबोर्ड प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे एक माउस प्लेस कर सकते हो, आपको एक इनफ अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप गेमिंग लैपटॉप के लिए भी इसको यूज़ करते हो, आई डोंट नो हाउ आइडियल इट इज़, क्या आप इस लेवल पे गेमिंग करना प्रेफर करोगे भी कि नहीं, बट आपकी एयर सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छे से आपको स्पेस मिल जाएगा, एंड हवा निकलने का
काफ़ी अच्छा जो एक ज़रिया है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यही है इस स्टैंड के बारे में, बाकी ओवरऑल क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। लिंक आपको मैं बाइंग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यानी अगर आप बाय करना चाहते हो, आपको इंटरेस्टिंग लगा प्रोडक्ट, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट करना, बाय करना। मेरे हिसाब से 650 रुपये के हिसाब से, यानी 650 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा लैपटॉप स्टैंड है, तो आप बाय कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको बड़े सारे मिलते हैं, अमेजोन बेसिक्स का भी आता है, वो थोड़ा महंगा है, तो अगर आप सस्ता जाना चाहते हो 600-650 के करीब ही, तो आप इस लैपटॉप स्टैंड के साथ जा सकते हो। वरना आप अपनी लोकल मार्केट अगर विजिट करते हो तो आज के टाइम पे तो वहाँ वुड के बने हुए भी आपको अच्छे से मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करूँगा कि आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सो इन दैट आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।